लोग बताते हैं उद्योग नहीं लगता। मैं हंसी के लिए उदाहरण के लिए रोज एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगने की बात देश में हुई, जो महाराष्ट्र में लगनी थी वो गुजरात में चली गई है। जब गुजरात में उसको शिफ्ट किया गया तो देश में डिबेट हुआ कि भाई महाराष्ट्र का चीज वो गुजरात में क्यों जा रहा है। महाराष्ट्र के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के का जो इन्वेस्टमेंट है वो $20 बिलियन है, करीब करीब 1,50,000 करोड़ एक फैक्ट्री के लिए। लगाने वाले कौन है? लगाने वाले जो अग्रवाल साहब हैं वो वेदांता के, वो बिहार के हैं। उस फैक्ट्री के लगने के बाद उसमें काम करने वाले इंजीनियर होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे, उसमें कम से कम 10-15% बिहार के लोग होंगे, वर्कर भी बिहारी होंगे। लेकिन कभी क्या आपने बिहार में इसकी चर्चा सुनी कि भाई जब लगाने वाला बिहार का, उसमें काम करने वाला बिहार का, तो बिहार में ये क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लग जाएगा यहाँ, मैं आ जाऊंगा तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बिहार में लग जाएगी, बहुत लंबी बात है। लेकिन कम से कम ये चर्चा भी तो होनी चाहिए कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। तो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं चर्चा भी होती है। आप बिहार के पूरी कैबिनेट को बैठा दीजिए और उनसे खाली ये पूछ लीजिए कि, और इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जिसको हम लोग पढ़ा लिखा इंजीनियर और क्या क्या मानते हैं, उनसे ही पूछ लीजिए कि भाई सेमीकंडक्टर की है क्या चीज। अगर पूरी कैबिनेट मिलकर ये बता दे कि सेमीकंडक्टर चीज क्या है, तब तो वो चिंता करेंगे कि भाई इसकी कोई फैक्ट्री भी होती मतलब है। इतना भी नॉलेज नहीं है इन लोगों को भाई। आप अगर है तो आप पूछ लीजिए, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, मैं तो कैमरे में बोल रहा हूँ। आप बिहार में जो नेता जिसको आप सबसे पढ़ा लिखा होशियार मानते हैं, जो बिहार की कैबिनेट का हिस्सा है, उससे पूछिए कि सेमीकंडक्टर क्या चीज है, इसकी फैक्ट्री में क्या होता है, और ये गुजरात में लग रहा है, ये बिहार में क्यों नहीं लग रहा है। अगर वो सेमीकंडक्टर का परिभाषा दे दे, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ तो गूगल में खोज के पढ़ भी सकता है, तब भी नहीं बता पाएगा कि सेमीकंडक्टर है। अच्छा, बिहार में अगर जब आपकी अज्ञानता इस लेवल की है तो आप क्या सोचेंगे? आपकी सोच ही बस इतनी है कि कोई चीनी फैक्ट्री लग जाए, कोई एक रेल का चक्का का फैक्ट्री मिल जाए, इसी को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन मान रहे हैं। बिहार में अमेरिका में 60% इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर की है, भारत की इकोनॉमी 60% सर्विस सेक्टर की है। तो सर्विस सेक्टर तो बिहार में आपने ऐसे ही खत्म किया हुआ है। आप पूरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ही 18% है, तो आप सारी फैक्ट्री लगा भी देंगे, जहां जिन राज्यों में फैक्ट्री लगी हुई है वहां पर भी 18% ही उसका कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो इंफोसिस का अगर यहाँ कैंपस खुलना है, सॉफ्टवेयर के TCS का कैंपस खुलना है, उसके लिए समंदर की क्या जरूरत है? उसके लिए खनिज संपदा की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत आपने क्यों नहीं बनाया 15-17 साल में? तो नीतीश कुमार जब ये कहते हैं तो पत्रकारगण ये सवाल ही नहीं पूछ रहे कि साहब ये बताइए, आपकी बात मान लिया कि यहाँ समंदर नहीं है, लेकिन समंदर से और सॉफ्टवेयर पार्क खुलने से क्या संपर्क है? चीनी की फैक्ट्री से और खनिज से क्या लेना देना है? लेकिन नेता यहाँ जो मन में आता है बोलता है और पब्लिक वही मान लेती है या उसको मना दिया जाता है।